कक्षा 10 के गणित में जो पीछे होमवर्क दिए थे द्विघात समीकरण में, उस द्विघात समीकरण के होमवर्क दिए गए के अलावा जो है क्वेश्चन बच्चों आप लोगों की तरफ से कमेंट आया हुआ था कि ये क्वेश्चन बताया जाए, जो अभी आगे एक्सरसाइज लास्ट में है, स्वमूल्यांकन में है, लेकिन आपके कमेंट के आधार पर हम इसको बताने चल रहे हैं। जो क्वेश्चन हमें यहाँ लिखे हुए हैं, पहला आपका था दिया हुआ क्वेश्चन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 AB इंटू एक्स प्लस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 को हल कीजिए। दूसरा समीकरण आपका ये दिया हुआ है 1/(x-a) इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस टू प्लस 1/(x-2) इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1/(x-3) इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 1/(c) को गुणनखंड करके हल करना है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि एक दुकानदार के एक नग को ₹24 में बेच करके लागत मूल्य की दर के बराबर लाभ कमाता है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए हम आप लोगों के क्वेश्चन को आज के वीडियो में बताते हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। कोई समस्या होगी तो फिर कंप्लेन करिएगा। तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है माइनस 4 AB(x) है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो इसमें द्विघात कंडीशन में आप लोगों को बताया गया था कि अचर पद और इसका संबंध लेते हैं, तो अचर पद और इसके संबंध के थ्रू ये बीच वाले पद को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ आपको मिलता क्या है कि हम इस 4 AB को इस रूप में लिख सकते हैं सर्वसमिका संबंध के द्वारा, जहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, सरल करेंगे तो आपको 4 AB आएगा। जहाँ हम 4 AB के स्थान पे इसको लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस एक्स का इसके अंदर गुणा कर दीजिए, यह आपका हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस ए आपका प्लस होगा यहाँ पर। तो स्थिति क्या आएगी, किया हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आइए बच्चों इसको अब आगे क्या करते हैं, आगे आपकी पुरानी विधि ही लग जाती है। पुरानी विधि में क्या है कि अब दो दो पदों को एक साथ लेते हैं। दो दो पदों को एक साथ लेने पर हम यहाँ करेंगे क्या, जैसे एक्स इंटू ए प्लस बी यहाँ से हमारा कॉमन होगा, तो हम यहाँ पाएंगे ए प्लस बी इंटू एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमको ए प्लस बी इंटू एक्स मिलता है, ए प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ पर हमें मिल जाता है माइनस करके केवल ए प्लस बी मिल जाएगा, माइनस ए प्लस बी का रूप आएगा। और दूसरे कोष्टक में हमको जो है यहाँ पर अगले में हम इसको साथ में लेते हैं दूसरे वाले पद को, तो यहाँ a माइनस बी कॉमन लेते हैं। यहाँ a माइनस बी जब कॉमन लेंगे तो हमें स्थिति क्या मिलेगी कि a माइनस बी इंटू एक्स यहाँ पर होगा, फिर आपको a माइनस बी होल स्क्वायर मिलता है। तो देखिए यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी कि जैसे a प्लस बी इसके साथ आ रहा है, a माइनस बी इसके साथ आ रहा है, यहाँ आपको समस्या होगी। तो इसलिए हम करते क्या है कि इसको इस तरह ना ब्रेक करके थोड़ा दूसरा रूप दे दे रहे हैं। ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें स्थिति आ रही है कि यहाँ से x ले लें हम और यहाँ से x ले लें, तो a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर यहाँ बचता है, और उसके बाद इसको और इसको ले लें। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि पहले पद को और तीसरे पद को ले रहे हैं, तो यहाँ x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो आपको देखिए यहाँ मिलता क्या है, यहाँ मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ का हमको मिल जाता है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a मिलता है। इसको बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद इसको और इसको एक साथ लेंगे
तो यहाँ माइनस वन कॉमन होगा, माइनस वन जब कॉमन होगा तो यहाँ भी हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और फिर साथ में हमको मिलता है प्लस प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए आपको मिलता क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी है। तो इसको कॉमन ले लीजिए, इसको कॉमन लेंगे तो यह हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में आपको हमें यहाँ का x मिलेगा और यहाँ का माइनस वन मिलेगा, तो यह हो गया x माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब आइए यहाँ देखिए स्थिति क्या बनती है, ये जीरो इधर गलत है, तो अब आपको मिलता क्या है कि इससे हो गया से यदि ए एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू आपको मिलेगा वन। यहाँ आपको ये संबंध मिल गया एक, और दूसरा संबंध आपको मिल जा रहा है यहाँ पर देखिए द्वितीय संबंध से क्या है, पुनः यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो करने पर इस पद को पक्षांतर कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स इजकल टू माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना लिख देंगे, फिर x की वैल्यू लिखेंगे तो x इजकल टू आपको मिल जाएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं इनको माइनस लगा करके ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको इसके दो मान प्राप्त हुए, एक मान आपको मिला x इक्वल टू वन और दूसरा मान x इक्वल टू आपको मिल गया माइनस इन ब्रैकेट a माइनस बी अपान ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम आपको बताने चल रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं जो दिया गया है हल करने के लिए, तो आइए उसको देखा जाए। आइए बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है जो दिया हुआ है आप लोगों के द्वारा दिया गया था कि इसको बता दिया जाए, ए है वन अपान एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, फिर प्लस है वन अपान x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस वन अपान एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इजकल टू वन अपान सिक्स। अब यहाँ देखिए आपको करना है, यहाँ आपके दो दो खंड सबके साथ हैं, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ये नीचे वाले सभी हर के जो गुणनखंड है सबका आप जो है लघुत्तम लिखेंगे तो चारों पदों को लिख देंगे, चारों पदों को लिखेंगे, यहाँ आपको मिलेगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर, और इधर आपका एक बटे छः रहेगा ये। तो आइए देखिए यहाँ सावधानी आप लोग ध्यान देंगे, पहले पद के ये जो है भिन्नात्मक रूप है इसका x माइनस वन एक्स माइनस टू, यहाँ लास्ट समय से x माइनस वन एक्स माइनस टू को बाहर छोड़ निकाल दीजिए, ये दो पद यहाँ लिख दीजिए, यानी भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये दो बचेगा जिसको यहाँ लिखेंगे x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर। फिर आइए अब दूसरे पद पर चलते हैं, बहुत ध्यान दे के आप लोग देखिए ताकि दिक्कत ना हो बाद में, इसके साथ x माइनस टू एक्स माइनस थ्री है तो हमें इसमें जो नीचे लिखे हैं x माइनस टू और x माइनस थ्री भाग देने पर कटेगा, x माइनस वन और x माइनस फोर आपका बचेगा, तो यहाँ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर लिखते हैं। फिर तीसरे नंबर के साथ आइए, तीसरे नंबर वाले पद को जब लेंगे तो यहाँ आपका x माइनस थ्री और x माइनस फोर कट जाएगा, बचेगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, यहाँ आप लिखिए x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब आइए देखिए
स्थिति क्या आती है, इनका गुणा कर दीजिए, इनका गुणा कर दीजिए, इनका गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने पर आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये 6-7 का आइटम है, हम इसको कर रहे हैं सीधे सीधे, तो इसका मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस है, माइनस 3 देखिए है, माइनस 4 है, इसलिए माइनस 7x आएगा, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये 12 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और यह माइनस 1 है, माइनस 4 है, तो दोनों का एक्स वाला पद जुटेगा, माइनस 5x होगा, फिर 4 और 1 का करेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस 4 हो जाएगा। इसके बाद इधर आते हैं, यहाँ एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 है, तो एक्स स्क्वायर होगा, और ये माइनस 1 एक्स का रूप लेगा, माइनस 2 तो माइनस 3x होगा, माइनस 2 और माइनस 1 करेंगे तो प्लस 2 होगा। सब के बटे हम यहाँ लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4, यहाँ आपका ये 1/6 लगा रहेगा। आइए देखिए इसको जोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है, एक एक्स स्क्वायर, एक है 3x² हो गया, 3x² हो गया, ऋण 7x है, ऋण 5x, ऋण 12x और ऋण 12 और ऋण 3 जोड़ेंगे x तो ऋण 15x हो गया, फिर 12x यहाँ पर है, 4x यहाँ पर है, 12 4 16 हो गया, 16 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 18 हो गया। आइए देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम देते हैं, ध्यान देते हैं कि इसमें 3 है, 15 18 है, कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का संबंध जो हमको मिलता है वह हमें इसके थ्रू मिलता है, इसको करेंगे तो मिल जाएगा, इसलिए हम एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 को एक साथ लेते हैं, और x माइनस 1 और x माइनस 4 को एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ गुणन की क्रिया में हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये हो गया, और x माइनस 1 x माइनस 4 को लेंगे तो यह हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 5x और यह आपका हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 1/6। अब आइए देखिए आप लोग यहाँ पर इसमें से 3 कामन ले लीजिए, 3 कामन लेंगे तो ऊपर हमको मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, नीचे हमको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और साथ साथ यहाँ हमको मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 1/6। यहाँ देखिए ऊपर के पद से हमको क्या है कि ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और नीचे यह कटेगा, ये आपका पोर्शन कटेगा, हमको ये 3 ऊपर मिलेगा नीचे ये मिलेगा, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो आगे देखिए क्या मिलता है, यहाँ हमको मिल जाएगा 6 × 3 = 18 हो गया, और फिर ए बराबर ए वाला पद आपका जो है इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 मिलेगा। अब हम इसको पक्षांतर करके इधर लिखेंगे तो या करके हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और माइनस हमको मिल जाता है यहाँ 18 = 0, यह हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x और यहाँ माइनस 14 = 0। अब आप फिर आइए यहाँ पर देखिए कि ऋण 14 है और ये ऋण 5 है, तो हम 7 × 14 होता है, ऋण 5 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 2x माइनस 14 = 0, एक्स कामन लेंगे तो यहाँ एक्स माइनस 7 और यहाँ प्लस 2 कामन लेंगे तो एक्स माइनस 7 = 0, यह हो गया x माइनस 7, देखिए दोनों जगह आ रहा है, x माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, यहाँ आपको मिलता है x प्लस 2 = 0। अब इसके साथ हम यहाँ पर अलग अलग दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर लिख करके x की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे इसके बाद, अतः यदि
आपको मिलता है x प्लस टू इजकल टू जीरो, तो x इजकल टू दो इधर करेंगे, जीरो ऋण दो यानी आपको मिल जाएगा ऋण दो। यदि x ऋण सात बराबर जीरो तो x इजकल टू आपको यहाँ सात मिलेगा। आंसर आपका हो गया x इजकल टू माइनस टू और दूसरी वैल्यू हो गई x इजकल टू सेवन। थोड़ा सा चलिए बच्चों, अब आपके सवाल नंबर तीन की का नंबर आ गया है जो दुकानदार वाला था, और आप लोग थोड़ा सा केयर करिएगा, इसमें कुछ मिसिंग पॉइंट है क्वेश्चन लिखने में। क्वेश्चन का प्रारूप आपका होगा, अपनी बुक से मिला लीजिएगा, एक वर्ड उसमें छिपा हुआ है जिसके कारण सवाल गलत हो जाता है, सब हो जाएगा उस तरह से चलेंगे। तो एक दुकानदार एक नग को रुपया 24 में बेचकर लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ये दिया हुआ है प्रश्न में। लेकिन यह प्रश्न का मॉडल होगा कि लागत मूल्य की दर के बराबर लाभ कमाता है, तब आपका क्वेश्चन सही आएगा। तो हम इसी पर चल रहे हैं, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन में हम लिखते हैं कि माना नग का लागत मूल्य, तीसरा सवाल है, माना नग का लागत मूल्य एक्स रुपया है, और जब एक्स रुपया लागत मूल्य है तो 24 रुपये में जब ये बेचते हैं तो एक्स प्रतिशत लाभ इनको मिलता है, ना कि एक्स रुपये लाभ मिलता है। सवाल में यही थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रश्न से हम लिखेंगे 24 रुपया में बेचने पर लाभ की दर बराबर लागत प्रतिशत, यानी यह एक्स प्रतिशत है, लागत एक्स के बराबर ना हो करके यह एक्स प्रतिशत के बराबर है, तो इस दशा में हमको विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो विक्रय मूल्य इसका दिया ही है 24 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 24 रुपया ये आपका है। यहाँ विक्रय मूल्य को हम लिखेंगे लागत मूल्य या क्रय मूल्य, लागत मूल्य धन लाभ बराबर या 24 रुपये के है। अब इसमें कंडीशन क्या आती है, लागत मूल्य के स्थान पर हम x लिखेंगे और धन यहाँ लाभ क्या होगा, x का x प्रतिशत बराबर 24 के, तो यहाँ आपको मिल जाता है x धन x गुणे x बटे 100, यह बराबर आपका 24 के हो गया। इसी को आप सरल करके समीकरण रूप ले लीजिए, तो समीकरण रूप आपका जो होगा यहाँ पर 100 का यहाँ गुणा कर दीजिए, ये 100x हो गया धन x की घात 2, और उसके बाद इधर आपका ये 100 इधर चला जाएगा तो हो गया 2400। यानी सवाल को लिखने में आपको द्विघात समीकरण का रूप हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 100x हो गया और ऋण 2400 बराबर 0। अब आइए देखिए, यहीं पर आपको जो है इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड क्रिया में एक्स स्क्वायर के साथ एक गुणांक है, तो ये 2400 का खंडन करेंगे, यानी एक गुणे ऋण 2400 बराबर आपका ऋण 2400 ही होगा। लेकिन ऋण 2400 को ऐसी दो संख्याओं में ब्रेक करिए कि जिसके माध्यम से आपको जो है जोड़ने पर 100 मिल जाए और गुणा करने पर इतना मिल जाए। तो आप खंडन करिएगा, हम इसको पाते कितना है, यह आपका हो जाता है 120 गुणे ऋण 20। क्या देखिए, 120 गुणे ऋण 20 करने पर 2000, यानी कि ये आपका जो एक गुणे ऋण 2400 है जिसको हम ऋण 2400 लिखते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है कि ऋण 2400 का ऐसा खंडन किया जाए कि बीच में जो 100x आया है, जोड़ने पर 100x 100 आए और गुणा करने पर इतना आए, तो जिसको हम लिख सकते हैं 120 गुणे ऋण 20। यहाँ 120 में से ऋण 20 घटा देंगे
तो हमको 100 मिल जाता है। यानी स्थिति क्या होती है कि हम इसको खंडित कर दें, एक्स स्क्वायर धन 120x ऋण 20x और ऋण 2400 बराबर 0। अब यहीं पर दो पद एक साथ ले लीजिए, दो पद एक साथ लेंगे तो या आप x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा यक्स धन 120 आएगा, फिर ऋण 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हमको यक्स धन 120 आएगा बराबर 0। यक्स धन 120 दूसरे कोष्टक में आपको मिलता है यक्स ऋण 20 बराबर 0 से यक्स धन 120 बराबर 0, तो या आपका x बराबर ऋण 120 या अमान्य होगा। अमान्य होने का रीजन क्या है कि वो बेचता है 24 रुपये में, तो यहाँ ऋण 120 उत्तर आपका ये सही नहीं है। पुनः आप क्या करेंगे कि यदि x ऋण 20 बराबर 0 तो आपको मिल जाता है x बराबर 20 रुपया, यानी उसकी लागत क्या है 20 रुपये है। आप इसका आंसर चेक करना चाहें तो 20 का जो है 20% निकाल करके चेक कर लीजिए और मिल जाता है तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। तो ये आपको x बराबर 20 रुपये ही आपको मिलेगा। आगे आप लोग फिर अपना कमेंट करिएगा और बालाजी देखिए आपका कंप्लेंट जो है कमेंट बॉक्स में, बालाजी प्रकाशन की किताब से संबंधित टॉपिक चल रही है, स्कूल के आदेशानुसार हम आपको एक दिन का समय देंगे जिसमें आप जो भी आपके दो चार क्वेश्चन होंगे उस दिन किसी भी प्रकाशन की किताब होगी आप कमेंट करेंगे, आपका क्वेश्चन आएगा, उसके दूसरे दिन आपको उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन वो आपके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑथराइज्ड बुक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे प्रदेश की बुक का भी क्वेश्चन हो तो उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा।